आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 फरवरी से दो दिन के मध्यप्रदेश दौरे पर रहेंगे। वे 15 फरवरी को होशंगाबाद के इटारसी से लोकसभा चुनाव अभियान का शंखनाद करेंगे। यहां के रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान पर श्री मोदी की सभा होगी। वहीं 16 फरवरी को प्रधानमंत्री धार में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा श्री मोदी की यात्रा के संबंध में सुरक्षा और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। भोपाल और उज्जैन को स्मार्ट सिटी डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2018 के लिए चुना गया है। ये अवार्ड भारत सरकार के शहरी और आवास मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। नगरीय विकास और आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने इस उपलब्धि के लिए भोपाल और उज्जैन स्मार्ट सिटी के स्टाफ को बधाई दी है। आज विश्व रेडियो दिवस है। मनोरंजन और सूचना के मंच उपलब्ध कराने, दूर दराज के क्षेत्रों में बसे समुदायों के साथ संवाद स्थापित करने और लोगों को सशक्त बनाने में रेडियो की भूमिका को रेखांकित करने के लिए हर साल 13 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस की इस वर्ष की थीम है संवाद, सहनशीलता और शांति। पेश है एक रिपोर्ट। आकाशवाणी की इसी धुन के साथ देश के कई लोगों की सुबह होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सबसे सरल, सुलभ और सस्ते साधन के रूप में रेडियो की लोकप्रियता आज भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी शुरुआती दिनों में थी। वैसे देखा जाए तो रेडियो की यात्रा भी बहुत पुरानी नहीं है। 19वीं शताब्दी में स्कॉटिश भौतिक शास्त्री जेम्स सी मैक्सवेल ने रेडियो तरंगों का पता लगाया था। मार्कोनी ने 1894 में घर के बगीचे में रेडियो तरंगों को भेजने के प्रयोग शुरू किए। लगातार प्रयोग करते करते 1896 में तरंगों को 12 किलोमीटर दूरी तक भेजा गया। फिर 1901 में मार्कोनी ने रेडियो तरंगों को अटलांटिक महासागर के उस पार भेजा। रेडियो प्रसारण की भारत में शुरुआत कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और लाहौर रेडियो क्लब के साथ हुई। 1927 में निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड बनाकर प्रसारण होने लगा। तभी से रेडियो प्रसारण की यात्रा में नए नए पन्ने जुड़ने लगे और आज आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो के नाम से पूरे देश में लोकप्रिय संप्रेषण माध्यम के तौर पर हर दिल अजीज बनकर राज कर रहा है। रेडियो पूरी दुनिया में प्रसारण का पहला ऐसा माध्यम बना जिसने पूरे विश्व को सूचनाओं और मनोरंजन के लिए एक सूत्र में बांधने का काम किया। सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और शिक्षा सबके लिए, यही तो रेडियो का उद्देश्य रहा। आज भी बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने मोटो के साथ आकाशवाणी अपनी पहचान और पकड़ बनाए हुए है। संयुक्ता बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इंदौर, मंदसौर, रतलाम, बालाघाट, मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अनुबंध की नीति, आवेदन पत्र का प्रारूप, अनुबंध की अन्य नियम और शर्तें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट www.newsonair.nic.in पर उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। भोपाल स्थित भारत भवन की 37वीं वर्षगांठ पर आज से 20 फरवरी तक देश विदेश के कलाकारों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। समारोह शाम 7 बजे कला प्रदर्शनियों के शुभारंभ से शुरू होगा। संगीता गोस्वामी अपने साथियों के साथ मंगला चरण प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद सुप्रसिद्ध उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला वादन होगा। धार के पूर्व कांग्रेस विधायक मोहन सिंह मुंदेला का आज निधन हो गया। वे 78 साल के थे। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद धार में किया जाएगा। प्रदेश में पिछले 4 दिन से पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। दिन में तेज धूप की वजह से तापमान में इजाफा हुआ है। प्रदेश में कल सबसे कम तापमान खजुराहो में 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अनूपपुर जिले के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टीवी कट्टीमनी को आज राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कर्नल की मानद रैंक दी गई। शिवपुरी जिले में अब तक 3,84,000 बच्चों को मिजल्स और रूबेला का टीका लगाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।